नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। रायपुर में सीबीआई के छापे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदेश के युवाओं को मिलेगा न्याय, नहीं बचेंगे कोई भी भ्रष्टाचारी। कांग्रेस सरकार ने पीएससी में किए थे घोटाले, युवाओं के भविष्य के साथ किया गया था खिलवाड़। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम में होंगे शामिल, आमंत्रण मिलने पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फिर दिखा अलग अंदाज। इंदौर जाते वक्त सीएम ने रुकवाया अपना काफिला, सड़क किनारे मौजूद दुकान से की खरीदारी, दुकानदार से मिलाया हाथ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सीएम का सादगी भरा अंदाज। बेंगलुरु में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का किया निरीक्षण। तेजस एयरक्राफ्ट में बैठे सीएम मोहन एक्स पर वीडियो शेयर कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सभी सदस्यों को बधाई दी। बेंगलुरु में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। राज्यपाल ने राजभवन आगमन पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल ने सीएम से कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद की बैठक। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय हुआ। टाइगर रिजर्व बनने से राज्य में होगा इको पर्यटन का विकास, साथ ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को होगा मतदान। लोकसभा सांसद बनने के बाद दिया था इस्तीफा, कौन होगा दावेदार, कई नाम सामने चल रहे हैं, हाईकमान तय करेंगे नाम। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन किए। संत श्री रविदास मंदिर में पूजा अर्चना कर सतना के लिए रवाना हुए। पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का 15 अगस्त तक आवारा पशुओं को गौठानों में पहुंचाए, वरना 16 अगस्त को आवारा पशुओं को एसडीएम ऑफिस में छोड़ देंगे सभी किसान। बीजेपी सरकार में हुई सभी गड़बड़ियां परीक्षा में। फाइनल मुकाबले से पहले ओलंपिक से बाहर होने के बाद राहुल ने किया ट्वीट, लिखा विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान। विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज करके देश की बेटी को न्याय दिलाए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, कहा ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, निकाय चुनाव के पहले हो सकता है फैसला। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर मुखर हुई बीजेपी। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सज्जन सिंह के बयान का किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर थाने में आवेदन दिया। बांग्लादेश पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने साधा निशाना। बीते कुछ दिनों से हिंदू और सिख परिवारों के साथ हुई ज्यादती, सत्ता के लालच में हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं कांग्रेसी। सज्जन सिंह वर्मा के बांग्लादेश वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया किनारा। सज्जन ने कहा था श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निवास में जनता खुश है, वैसे ही भारत में भी होगा। इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए। सागर के शाहपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सागर हादसे में मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की, कहा बच्चों की मौत की राजधानी बन गया है एमपी। छतरपुर में नीट और नर्सिंग घोटाले के विरोध में जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेताओं के साथ किए कलेक्ट्रेट के घेराव की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रीवा के नोडिया गांव में विधायक गिरीश गौतम ने जलभराव का निरीक्षण किया। गिरीश गौतम ने खुद पानी में उतरकर समस्या का जायजा लिया, अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। बीजेपी ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए। शिवरतन शर्मा और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को रायपुर दक्षिण का प्रभारी बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में सीजीएमएससी संचालक मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वर्तमान प्रचलित अनुबंध दर को निरस्त किया गया। अब होगी जेम पोर्टल से उपकरण, कंज्यूमेबल और री एजेंट की खरीदी। अनुपलब्ध सामग्रियों की निविदा के माध्यम से खरीदी होगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। उपचुनाव के लिए 11 सितंबर को होगा मतदान, 21 अगस्त से शुरू होगा नामांकन, 13 सितंबर को आएंगे नतीजे। मैयर को अस्पताल के बाद मिली जिला जेल की सौगात। मोहन कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। मैयर विधायक ने प्रदेश के मुखिया का जताया आभार।
रायपुर बिलासपुर दुर्ग समेत कई जिलों में सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। अमृत खाल को कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन सोनवाली और श्रम पदाधिकारी सुनीता जोशी के घरों पर छापेमार कार्रवाई की गई। अलीराजपुर शासकीय दुकानों पर बेच रहे एक्सपायरी शराब, आबकारी विभाग ने जब्त की एक्सपायरी शराब की 15 पेटियां। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महेश पटेल ने दुकान पहुंचकर किया हंगामा। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में बारिश के चलते बढ़ी महंगाई, खराब मौसम के चलते लगातार बढ़ रही सब्जियों के रेट, होटलों में भी असर दिख रहा है, घरों में भी बजट बिगड़ रहा है। महासमुंद में सीजीपीएससी घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई, सुनीता जोशी के मायके पहुंची सीबीआई की टीम। सुनीता जोशी हैं सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की भांजी। देवारी भाट हत्याकांड के दोषी को ढूंढने में नाकाम रही खैरागढ़ की पुलिस, परिजनों ने रैली निकालकर किया थाने का घेराव। पुलिस विभाग को ग्रामीण पहले ही दे चुके थे आंदोलन की चेतावनी, पिता की फोटो हाथ में लेकर मासूम बच्चे ने लगाई एसपी से गुहार। रीवा में जर्जर हालात में था वर्षों पुराना शिव मंदिर, विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ, प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने मंदिर पहुंचकर पुजारी से ली चाबी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर संभाग में लगातार बारिश के चलते सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ गई है, खराब मौसम के चलते बरगी नहर में जा गिरी तेज रफ्तार कार, कार में सवार चार युवकों में से दो ने तैरकर बचाई जान, दो युवक अभी भी लापता। ओंकारेश्वर के पुनासा के इंदिरा सागर बांध के खोले गए 6 गेट, सुरक्षा के लिए ओंकारेश्वर घाटों पर पुलिस प्रशासन तैनात, घाटों पर लगी दुकानों को हटाने की शुरू करने की कार्रवाई। ग्वालियर में स्कूल की छत गिरने से टला बड़ा हादसा, घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए सभी स्कूलों के सर्वे के निर्देश। गनीमत रही यह हादसा तब हुआ जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। रायगढ़ के छाल में पटवारी के कार्यालय में एसीबी ने मारा छापा, हल्का नंबर 49 में छाल के पटवारी हैं हरिशंकर राठिया, रिश्वत लेने की हुई थी शिकायत। भोपाल में लगातार 5 दिन की बारिश के बाद अब जाकर खुला है मौसम, मौसम के बदलते ही हल्की गर्मी का एहसास भी हुआ। कोंडागांव में जवानों को लगातार तीसरी बार नक्सली डंप मिला, जंगल में गश्त पर निकले जवानों को मिली बड़ी सफलता, जवानों ने नक्सली डंप से 5 बंदूक के साथ 2 बैटरी वायर नक्सल पंपलेट बरामद किए। पेंड्रा के हाई स्कूल में आयोजित की गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग, शिक्षकों ने छात्रों के साथ मिलकर किया नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नृत्य, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया गया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट तय को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से बाहर किया गया, ओलंपिक से बाहर होने के बाद फोगाट की बिगड़ी तबीयत, देश भर में खेल प्रेमियों में निराशा छाई। खंडवा कोतवाली थाना टीआई को किया गया लाइन अटैच, परफॉर्मेंस को लेकर गिरी गाज, चोरी समेत अन्य घटनाओं में लगातार शिकायतों के बाद एसपी ने उठाया कदम। जबलपुर में बारिश के चलते दो हिस्सों में बटा 2 मंजिला मकान, मकान के बीच बन गई 4 इंच की दरार, घर में रहने वालों को बाहर निकाला गया, मकान तोड़ने में जुटे कर्मचारी। पेंड्रा में ठगी का मामला सामने आया, हज यात्रा के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की शिकायत गोरेला थाने में दर्ज कराई गई, अल्फराज टू ट्रेवल्स के याकूब पटेल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। मुरैना में जोरदार बारिश से कैलारस शहर की सड़क ताला बन गई, सड़क के ऊपर है 3 फीट का पानी, नगर पालिका पर उठ रहे सवाल। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर, जिसके पट साल में केवल एक बार ही नागपंचमी पर खोले जाते हैं, नागचंद्रेश्वर के रूप में होती है पूजा अर्चना, महानिर्माणी पंचायती अखाड़े के महंत विधि विधान के साथ रात्रि में पूजा अर्चन करते हैं। 9 तारीख को पूरे देश में मनाया जाएगा नागपंचमी का त्यौहार। बुरहानपुर में अतिक्रमण की गई 7 एकड़ सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया आजाद, जमीन में लगी मूंग की फसल को नष्ट कराया गया, जमीन को वन विभाग को सुपुर्द किया गया। जबलपुर में शिक्षा विभाग ने मृत अनीशा बेगम के खिलाफ की कार्रवाई, जांच में अनीशा बेगम के निरक्षर होने का खुलासा हुआ, अनीशा बेगम ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नियुक्ति हासिल की। बलौरा बाजार के मल्लीन गांव में बारिश की वजह से टापू बना मोहल्ला, आसपास के गांवों में टूटा संपर्क, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गांव। पूरे जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 अगस्त को रहेगी छुट्टी,
जिले में भारी बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला। कलेक्टर ने घोषित किया अवकाश। रीवा में जोरदार बारिश से उफान पर नदी नाले, नाले के तेज बहाव में फंसे तीनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। कांकेर में भारी बारिश से टापू में तब्दील हुए 35 गांव, जान जोखिम में डालकर कोटरी नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। नाव पलटने के चलते कई हादसों के बावजूद भी ग्रामीणों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। दतिया में पीओपी की मूर्तियां बनाने पर लगा गया प्रतिबंध। अंगूरी बैराज डैम में नहीं होगा मूर्तियों का विसर्जन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। नगर निगम ने बुलडोजर से गिराई स्कूल की जर्जर बिल्डिंग, जर्जर क्लासरूमों का किया गया सील। एक दिन पहले विस्तार न्यूज में दिखाई गई थी खबर। झाबुआ में पशु चिकित्सक के घर चोरों ने बोला धावा, चिकित्सक के घर से हजारों का सामान, नकदी लेकर उड़े चोर। पुलिस ने नहीं लिखी पशु चिकित्सक की शिकायत। अंबिकापुर में खराब सड़क को लेकर युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर रोपा लगाकर जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश की, राहगीरों ने किया युवा कांग्रेस का समर्थन। बड़वानी में भारी बारिश के बीच डैम के गेट खुलने से बड़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा नर्मदा का जलस्तर। पुलिस ने मुनादी करके लोगों को सतर्क किया। सिवनी जिले में नगर परिषद के बीच वर्चस्व की लड़ाई, नगर परिषद सीएमओ के समर्थन में आया मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। खंडवा के ओंकारेश्वर में इंदिरा सागर बांध के खोले गए 12 गेट, ओंकारेश्वर में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। घाट से सटे हुए इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के नाम से आरोपी ने बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, कलेक्टर का फोटो लगाकर की लोगों से संपर्क करने की कोशिश। प्रशासन ने लोगों से की किसी भी फ्रॉड में ना आने की अपील। पन्ना में कायाकल्प योजना के तहत चला प्रशासन का बुलडोजर, नगरपालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने हटाया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान रहवासियों और पुलिस के बीच हुई झूमा झटकी। इंदौर के रानीपुरा में रक्षाबंधन से पहले सजा राखी का बाजार, राखी के बाजारों में देखी रौनक। इंदौर से प्रदेश भर में जाती हैं राखियां। और खबर है बड़ौदा बाजार से, जहां पर एसडीएम ने मोहतरा गांव की सरपंच ईश्वरी साहू को बर्खास्त किया है। 6 सालों तक निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया, नहीं लड़ पाएंगी 6 साल तक चुनाव। सरपंच ने बिना पंचायत प्रस्ताव के की थी 3 लाख रुपए की गड़बड़ी। कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कार्यालयों का किया आकस्मिक निरीक्षण। नगरपालिका कार्यालय में अव्यवस्था पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, सीएमओ सहित 2 अन्य कर्मचारियों का किया निलंबन। ओंकारेश्वर बांध के जलाशय का जल स्तर बढ़ा, नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी, बांध के करीब 0.5 मीटर तक के 9 गेट खोले गए। नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पानी छोड़े जाने पर तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। महिला मोर्चा ने नक्सल इलाके में तैनात जवानों के लिए भेजी राखी, लगातार महिला मोर्चा पिछले 20 सालों से राखियां भेज रही है। महिला एसपी ने कार्यालय पहुंचकर एसपी समेत स्टाफ को राखी बांधी, शांति का वादा भी लिया। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की 8वीं सुनवाई, 25 प्रकरणों की हुई सुनवाई। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा लोगों का विश्वास महिला आयोग के प्रति बढ़ा, इसलिए प्रकरणों की भी संख्या बढ़ रही है। बलरामपुर में 15 दिनों के भीतर हाथी के हमले में 3री मौत हो गई, हाथी ने युवक कुचला, मौके पर ही युवक की मौत। हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष जारी। अंबिकापुर में लोगों ने जंगल के 100 एकड़ जमीन पर किया कब्जा, कब्जे के बाद लोगों ने आपस में बांटी जमीन। ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्व डिप्टी सीएम करेंगे भूख हड़ताल। स्कूलों और आवासीय विद्यालय में कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण, बच्चों का लिया टेस्ट। पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देने पर कहा, बालिकाओं के शयन कक्ष, रसोई रूम और स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया। जांजगीर चांपा में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, मारपीट के बाद युवक ने खाया था जहर, इलाज के दौरान युवक की हुई थी मौत।
हरदा पुलिस ने युवक के कातिल को किया गिरफ्तार। युवक की पत्नी के दोस्त ने शराब पिलाकर की थी हत्या। एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की थी 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा। इंदौर आईआईटी ने जवानों के लिए तैयार विशेष तकनीक के जूते। जूतों को पहनकर चलने से बनेगी बिजली, आसानी से लगाया जा सकेगा जवानों की लोकेशन का भी पता। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर युवती से रेप। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने की मामले की जांच। घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कवर्धा में फिर उठी हरी नाला पुल निर्माण कराने की मांग। नगरवासियों ने प्रशासन पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। जलभराव से लग जाता है जाम। सागर के बंडा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर भरकर अवैध शराब पकड़ी। ट्रॉली से पुलिस ने 35 पेटी अवैध शराब बरामद की। एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। केशकाल के सिंगारपुरी गांव में गौहत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार हुआ। दूसरे फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। आरोपियों के घर से गौहत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए। केशकाल में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर शराबी बेटे ने की मां बाप की डंडे से पिटाई। सिर पर चोट लगने से मां की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। बालाघाट के खापा गांव में बाघ के हमले से बैगा महिला की मौत हो गई। जंगल में पीढ़ी तोड़ने गई थी तीन महिलाएं। पीढ़ी तोड़ते वक्त बाघ ने महिला पर किया था हमला। बुरहानपुर में कीटनाशक पीने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। विवाद करने वाले लोगों पर जबरन कीटनाशक पिलाने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। बलरामपुर में सरकारी कर्मचारी को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने वन भूमि पर कर रखा था अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने कर्मचारी से की थी काली गलौज। सागर के बीना में चौकी प्रभारी पीयूष साहू 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। आरोपी ने न्यायालय के आदेश के बावजूद एक्सीडेंट मामले में बस छोड़ने के एवज में मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने की कार्रवाई। फर्जी सप्लायर बन लोगों से फ्रॉड करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुआ। तीन युवक फर्जी सप्लायर बन करते थे ठगी। लोगों को सप्लायर बताकर खाते में डलवाते थे पैसे। दो आरोपियों को किया गया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। नर्मदापुरम में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। बारिश को देखते हुए टार से एसडीएम ने क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। बुलडोजर से मकानों को तोड़ा गया। लगातार भारी बारिश के चलते जबलपुर में फैला डायरिया। डायरिया के साथ अब स्वाइन फ्लू के भी लक्षण दिख रहे हैं। 11 मरीजों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। 10 की रिपोर्ट आना बाकी।